नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निक क्लास में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में हम आपके लिए करते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी जानकारी को, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पिनाक मिसाइल को लेकर। राजस्थान में पोखरण के मरु क्षेत्र में स्वदेशी विकसित गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इससे सेना की क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। यह हथियार प्रणाली अत्याधुनिक मार्गदर्शक किट से सुसज्जित है, जिसमें एक उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO द्वारा स्वदेशी विकसित पिनाक सटीक निशाना साधने के लिए सशस्त्र भंडार की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। परीक्षण के बारे में कहा गया है कि हथियार प्रणाली ने तय लक्ष्यों पर काफी सटीकता के साथ निशाना लगाया और वांछित सटीकता हासिल की। मंत्रालय ने कहा कि टेलीमेट्री सिस्टम ने उड़ान पथ के दौरान वाहन पर नजर रखी और उसकी निगरानी की। मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है CISF को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 50वें स्थापना समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के पास जंग लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह आए दिन घुसपैठ करता रहता है। भारत में ही अलग अलग साजिशों को पनाह मिलती है। आतंकी के घिनौने रूप के बीच देश के संसाधनों की सुरक्षा एक चुनौती है। पुलवामा और उड़ी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है, हम अनंत काल तक इससे पीड़ित नहीं रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में परेड की सलामी ली और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 50 साल तक इस संगठन को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले सैनिक बधाई के पात्र हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय नौसेना को लेकर। नौसेना प्रमुख और तीनों सेनाध्यक्षों की कमेटी के अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा शाही ब्रिटिश नौसेना के प्रमुख के नियंत्रण पर 12 से 15 मार्च तक ब्रिटेन दौरा करेंगे। यहाँ नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डी के शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरे से भारत और ब्रिटेन के बीच मौजूदा समुद्री सहयोग कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी और नई संभावनाओं को तलाशने का मौका मिलेगा। प्रवक्ता ने कहा कि एडमिरल लांबा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर 2015 के ब्रिटेन दौरे में जो सहमति बनी थी उसे नौसेना प्रमुख के दौरे में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना के ब्रिटिश नौसेना के साथ पारंपरिक रिश्ते रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर जाने वाली तीनों नदियों के पानी को भारत ने रोक लिया है। अर्जुन मेघवाल रविवार को बीकानेर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री मेघवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान में बहने वाली पूर्वी नदियों के 0.53 मिलियन एकड़ फीट पानी को रोककर इसे संग्रहित किया गया है। जब भी राजस्थान या पंजाब को इसकी जरूरत होगी इस पानी का उपयोग पीने और सिंचाई के उद्देश्य से किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी चरम पर है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली तीन नदियां ब्यास, रावी और सतलज का अपने हिस्से का पानी रोकने की बात कही थी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है भारत सरकार का। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ, कश्मीर घाटी में जैश के आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने इस एनकाउंटर में जैश के कमांडर मुदस्सिर खान को ढेर कर दिया है। आज सुबह सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना अपने खुफिया तंत्र से पता चली थी। जब सुरक्षा बलों ने इस जगह की तलाशी ली तब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद सेना ने जम्मू पुलिस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन ने इस प्रेस वार्ता में बताया कि जब तक सेना जैश का सफाया नहीं कर देगी तब तक ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 21 दिनों के दौरान सेना ने कश्मीर घाटी में 18 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों में से 8 आतंकी पाकिस्तानी थे। दूसरे में जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है DRDO को लेकर। दोस्तों 90% से गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मी गंभीर चोट लगने के कारण कुछ ही घंटों में दम तोड़ देते हैं। DRDO के चिकित्सा प्रयोगशाला ने एक ऐसी दवा तैयार की है जिसे कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स कहा जा रहा है, जो सैन्य टुकड़ी को अस्पताल में स्थानांतरित करने तक उन्हें महत्वपूर्ण पल दे सकती है। इस स्पेक्ट्रम में ब्लीडिंग गाउसिलेंट सुपर अवशोषक ड्रेसिंग और ग्लिसरेटेड सेलिनिन शामिल है। ये सभी जंगल और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के साथ साथ आतंकी हमलों में हमारे देश के सैनिकों की जान बचा सकते हैं। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये दवाएं मरने वाले सैनिकों की संख्या को कम कर सकती है। DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस यानी INMAS में इन दवाओं को बनाने वाले डेवलपर के अनुसार जीवित रहने की संभावना और न्यूनतम विकलांगता सबसे अधिक रहती है। ऐसे में ये दवाएं उनका प्राथमिक उपचार करके उन्हें ज्यादा लंबा वक्त दे सकती हैं, जब तक कि वे अस्पताल में ना पहुंच जाएं। रक्षा क्षेत्र से संबंधित कई क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य INMAS को सौंपा गया है। INMAS के वैज्ञानिकों ने कहा है कि
मुख्य युद्ध के दौरान अधिक खून बहने, सेप्सिस, शॉक और हाइपरलोमिया यानी कि खून की कमी से होने वाला दर्द होता है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से निर्मित दवाओं को युद्ध के दौरान अर्धसैनिक सुरक्षा बलों के जीवन के लिए एक वरदान कहा है। तो दोस्तों, डीआरडीओ के इस कदम के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है साइंस सिटी को लेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साइंस सिटी का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में साइंस सिटी के लिए केंद्र ने 134 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये देश की 5वीं साइंस सिटी होगी। सीएम रावत ने विज्ञान धाम झाझरा में साइंस सिटी की भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सीएम ने बताया कि साइंस सिटी के लिए इस क्षेत्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पर अनेक शिक्षण संस्थान है। यह एक तरह से एजुकेशन हब है। देश भर में छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यह साइंस सिटी बड़े आकर्षण का केंद्र भी बनेगी। इस संस्थान के बनने के बाद यहाँ पर अनेक वैज्ञानिक गतिविधियाँ होंगी। दोस्तों, यदि आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल एस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।